हेलो दोस्तों, वेलकम टू नाहिद किचन। आज की जो हमारी रेसिपी वो है मैगी की। ये मैगी बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाती है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है और झटपट बन जाती है। तो देखिए, मैगी बनाने के लिए हमने यहाँ पे छोटे से गंजी में 3 गिलास पानी ले लिया। हमने यहाँ पे 2 पैकेट मैगी लिया, उसे अच्छे से तोड़ के पानी में डाल दिया। इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सादा ही उबालेंगे, नमक भी नहीं डालेंगे, और इसको बस 2 मिनट के लिए ही उबालना है। देखिए, हमारी मैगी हो गई रेडी। अब हम इसको स्ट्रेनर में छान लेंगे। अब चलते हैं इसके मसालों की तरफ। मसालों में हमने 1 प्याज ले लिया है काट करके, थोड़ा सा पत्ता गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च और टमाटर, 4 हरी मिर्च और 2 पैकेट मैगी का मसाला हमने ले लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती गार्निश के लिए ले लिया है। अब यहाँ पे मसालों में हमने लिया आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ पे हमने तेल ले लिया, 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। तेल हम कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें यहाँ पे हमने हरी मिर्च और प्याज इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं ब्राउन करेंगे, लाइट ही हल्का ही रखेंगे। देखिए, अब इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक हम इसको चलाएंगे। यहाँ पे हम एक चम्मच से भी जितने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। जितनी हमारी मैगी है उसी हिसाब से हम नमक डाल लेंगे इसमें। नमक डालने के बाद अब हम इसमें ये डाल देंगे सब्जियां जो हमने काट के रखी थी। सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो तो उसमें हम डाल देंगे मैगी जो हमने उबाल के रखी थी, और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। और इसमें वो मसाले डाल देंगे जो हमने रखे थे। मसालों को मैगी में अच्छी तरह से चला के मिक्स कर लेंगे, और ये मैगी मसाला जो हमने रखा था वो भी डाल लेंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए, मसाला हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस और 2 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए मैगी हमारी कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, कितनी यम्मी लग रही है देखने में, और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। तुरंत ही बन जाती है, आप एक बार ट्राई करना देखिए। और सब्जियां भी इसमें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं, और हमारी मैगी हो गई रेडी। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आप अपने घर में एक बार इसको ट्राई करिए और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि कैसी बनी। आप लोग मैगी कैसे बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखिएगा।